सत्तवीं क्लास के बारे विद्यार्थियों हूँ थोड़ी अध्याय एक दी अभ्यास 1.4 का चौथा क्वेश्चन करन जा रहे हैं। ध्यान देखना है, कहते -240 नूं कैड़ी संख्या नाल वंडिया जाए, वंडिया मतलब भाग किया जाए कि 16 प्राप्त हो गए। सिंपल तरीके आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं, असी सल्यूशन करांगे। ध्यान देखो कि माइनस के 240 नूं असी एक्स नाल भाग करांगे तो सानू 16 मिलेगा। है ना सौखा तरीका, सिंपल कि उन्हें पूछा सी -240 नूं किहदे नाल भाग करिए कि सानू 16 मिले। मैं क्या -240 नूं भाग बटे दी रकम दा मतलब भाग हुंदा ना, -240 नूं भाग किया जाए एक्स दे नाल तां सानू किन्ना मिल गया 16। हुण देखो किद्दां करना है बेटा, जिहड़े क्रॉस हुंदा ना, क्रॉस आ देखो एक क्रॉस, ए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुंदियां ने, एक्स उपर जा सकदा 16 थले आ सकदा है। इहदा मतलब की होया कि -240 दे नीचे हुण 16 आजूगा ते एक्स उपर, ते हुण आपां एक्स नूं उपर भेज के 16 नूं नीचे बुला लिया, ते इहदा मतलब 240 नूं हुण 16 नाल आपां की करांगे भाग। 240 विचकार 16 नूं अगे, 16 एकम 16, बकाया बचा किन्ना 14 चों 6 गए 8, उपर उतार लिया 0, 16 50 80। इहदा मतलब किन्ना आ गया, माइनस तां लगेगा लगेगा नाल 15 आ गया, इहदा मतलब एक्स दा मुल किन्ना आ गया -15, जो कि तुहाडा आंसर होएगा। इस तरह सारा चौथा सवाल कंप्लीट हो गया ने, हुण आपां पंजवां सवाल करांगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा, हुण फिफ्थ क्वेश्चन विच की किया गया, भाग दा निशान देख रहे हो, पर मैं तुहानूं दस्सिया कि बॉड मास रूल की कहिंदा है। बॉड मास कहिंदा है कि सब तो पहला ब्रैकेट नूं हल करना हुंदा है, इट मीनस आह वाली ब्रैकेट सब तो पहला हल होएगी बेटा। इस ब्रैकेट दे विचकार की लिखा है, इस ब्रैकेट के विचकार भाग का निशान है, तो दो अक्षर ने एक पांच ते एक, प्लस माइनस नहीं देखना, असी पांच नूं एक नाल भाग करना, तुसीं समझ सकते हो पांच नूं एक नाल भाग करना, किसी भी रकम नूं एक नाल भाग करो तो उही रकम आ जाती है, मतलब पांच। इहदा मतलब असी की लिखांगे 125, आ साडा सल्यूशन स्टार्ट हो चुका है बेटा, भाग का निशान। हुण इस ब्रैकेट नहीं लिखनी, इस ब्रैकेट की थां असी पांच नूं एक नाल भाग करके किन्ना आया पांच लिखांगे, तो ब्रैकेट के कोल किन्ने माइनस के निशान ने बेटा, तो दस्या सी ना गुणा ते भाग दे विच जिहड़ा माइनस दा निशान है वह गिनती ते डिपेंड करता है कि माइनस एक है तो लगेगा, फिर माइनस भी आ गया है ना, तो जे दो हुंदे तो प्लस हो जाता। तो आ वड्डी ब्रैकेट खत्म हो चुकी है, हुण देखो तुसीं ध्यान नाल, हुण फिर भाग करनी है पर 125 नूं 5 नाल। हुण आपां 125 नूं कापी दे साइड ते इस तरह लाइन लगा ली हुंदी है एक बेटा, और इत्थे भाग करके दिखानी हुंदी है, तो इत्थे आंसर 125 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਭਾਗ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 5 ਏਕਮ 5, 5 ਦੁਣੀ 10, ਬਕਾਇਆ 2, ਉੱਪਰ ਉਤਾਰਿਆ 5, 5 5 25, ਭਾਗ ਖਤਮ, ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 25। ਪਰ ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਭਾਗ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, एक आ ब्रैकेट है एक आ ब्रैकेट है, बॉड मास कहिंदा पहला ब्रैकेट देखनी है बेटा, ये मतलब इस ब्रैकेट के जी दो रकम ने इन्हों भाग करिए, तो असं हूँ भाग कर जा रहे हैं, ध्यान देखना सारा ने, 169 असी भाग करांगे 13 दे नाल, सारा भाग करनी आती है चंगी तरह, 13 एकम 13, बकाया रह गया 3, उपर उतारिया 9, 13 एकम 13 13 दूनी 26, 13 3 39, है ना आ गया ना सौखा, तो आंसर किन्ना आ गया 13। तो इस ब्रैकेट नूं नहीं लिखना, इहदी थां की लिख देना है 13, फिर आप भाग का निशान पाना है। हुण इहनूं भी भाग करना पएगा, इहदा मतलब हुण असीं की करांगे 26 नूं भाग करांगे 2 दे नाल, देख रहे हो 26 नूं भाग करनी है 2 दे नाल। हुण 2 दा पाड़ा पढ़दे हां, 2 एकम 2, बकाया कुछ नहीं, उपर उतार लिया 6, 2 3 6, भाग करके किन्ना आंसर आ गया बेटा इहदा 13। हुण आ ब्रैकेट भी खत्म, आ ब्रैकेट भी खत्म, हुण 13 भाग 13 आ गया, इस ब्रैकेट का आंसर भी 13 सीगा, इस ब्रैकेट का आंसर भी 13 सीगा। हुण 13 नूं 13 नाल भाग करनी है बेटा, हुण तुहानूं तां सारिआं नूं पता है बेटा कि जे 13 नूं 13 नाल भाग करिए, 13 नूं 13 नाल ही भाग करिए तां 13 एकम 13, भाग खत्म, तां आंसर किन्ना आया तुहाडे कोल 1। हुण इत्थे कोई माइनस दा निशान नहीं है, इस करके आंसर भी 1 ही आएगा।
उम्मीद है सैकंड क्वेश्चन चंगी तरह समझ आया होगा कि किस तरह असी पहला ब्रैकटा दे विच वाली रकम नूं भाग करनी होंदी ने, फिर जदों इहदा आंसर भी आ गया फिर इन्हां दोनों के विचकार साइन देखो माइनस है प्लस है गुणा है भाग है जो है उही करना है। जे बाई चांस इहदे प्लस हुंदा ते फिर असी इन्हां नूं प्लस करना सीगा। याद रखो इहदा आंसर 13 इहदा आंसर 13 विचकार जो साइन है उही साइन लगेगा ते इन्हां नाल उही काम करना है जो उन्हें कहा है। भाग है तो भाग करोगे, जोड़ है तो जोड़ करोगे, गुणा है तो गुणा करोगे। लागी गल समझ। हुण आपां इहदा तीजा भाग करांगे। तीजे भाग से देखो बेटा की लिख रहा है, आ देखो ब्रैकेट आ गई ना, तो पहले इस ब्रैकेट नू हल करना है। ब्रैकेट के विचकार दो अक्षर ने, एक 105 ते 103, इहदा मतलब 105 नू 3 नाल की करांगे भाग, तो 105 नू असी भाग करन लगे हां 3 नाल। भाग शुरू करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, बकाया आ गया 1, उपर उतार लिया है 5, 3 पंजे 15, इहदा मतलब तुहानू भाग करन तों बाद आंसर की मिलिया है 35। पर तुहाडे कोल जिहड़ी रकम सीगी उहनां कोल एक माइनस का निशान सीगा, इस करके 35 नूं भी माइनस का निशान देना पएगा। इहदा आंसर आ गया 35, फिर निशान है भाग का, फिर है 7। हुण मेरी गल समझ आई कि पहला आपां ब्रैकेट नूं हल कर लिया है, हुण 35 ते 7 दे विचकार फिर भाग आ गया, इहदा मतलब हुण 35 नूं असीं 7 नाल भाग करना है। तो 35 नूं विच रखांगे ते 7 नूं बाहर, ते पहाड़ा पड़ना शुरू। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पंजा 35, तो साडा आंसर किन्ना आ गया बेटा जी 5। पर माइनस का निशान होने करके 5 नूं भी माइनस लगेगा, तो तुहाडा आंसर आ गया -5। इस तरह 5वें क्वेश्चन के 3 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। हुण आपां 6वां सवाल करांगे। ध्यान नाल देखना बेटा, बहुत सौखे ढंग नाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो नूं पूरा अंत तक देखो तां जो तुहानूं क्वेश्चन समझ लग सके, ते फिर तुसीं अपने आप कढ के देखो। जे नहीं समझ लगता फिर वीडियो नूं उत्थे खोल के देखो कि तुहाडी गलती की हो रही है, फिर जाके आना समझ, क्योंकि हुण तुहाडे कोल असीं नहीं है ना सामने कि तुसीं अपनी गलती पुछ सको, तो इस तरीके नाल भी तुसीं कर सकते हो। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखो। हुण देखो 6वां क्वेश्चन, इहदे विच माइनस भी है प्लस भी है भाग भी है गुणा भी है, सारे ही साइन आ गए बेटा। हुण सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल देखियो। असीं इत्थे बॉर्ड मास लिख देने पहला ताकि याद रहे कि गलती नाल गलत काम ना हो जाए। सब तो पहला की करना, ब्रैकेट सब तो अंदरली ब्रैकेट अंदरली ए तो अंदरली आ वाली है, सब तो अंदरली ब्रैकेट आ वाली। देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ हो रहा है पहले इन हल करना, बाकी सारा कॉपी पेस्ट कर जाना। अभी गल समझ, देखो कितना कर रहे हैं मैं, सारा कॉपी पेस्ट। आप 12 की था 12 माइनस ब्रैकेट 8 प्लस 27 भाग ब्रैकेट। सब तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ों हल करते हैं। हूँ इस ब्रैकेट के अंदर भी फिर दो साइन आ गए, एक गुणा है तो एक घटाओ है। देखिए आ होंगी है गुणा, आ होंगी है घटाओ, आ होंगी है जोड़, है ना, तो आ होंगी है भाग। हूँ दसो इतने गुणा भी है तो घटाओ भी है, पहला किड़िया होंगी है, पहला तो गुणा होंगी है ना, पहला गुणा करो। फिर 2 8 गुणा किया 8 दूनी 16 घटाओ 7। इस गल नूं ध्यान नाल समझो कि पहला गुणा होएगी तो पहला गुणा करनी है, पहला 8 चो 7 नहीं घटाने पै जाना। बॉर्ड मास कहिंदा है पहला गुणा करो उस तो बाद घटाओ होएगी। हूँ गुणा कर चुके हैं, फिर दोबारा देखो आप 12 दी तां 12 माइनस ब्रैकेट 8 जमा 27, सारा कॉपी पेस्ट, भाग भी कॉपी पेस्ट होगी। हूँ 16 दे विचों असीं की घटावांगे 7 नूं, घटा के मिल गया 16 चो 7 घटाए 9। हुण इह ब्रैकेट खत्म हो गई, इस ब्रैकेट की थान सानूं की मिल गया है 9। तो इस तरह सब तो पहला देखो असीं आ अंदरली ब्रैकेट नूं हल करके 9 प्राप्त किया। समझ लगी, 8 नूं 2 नाल गुणा कीते 16, 16 चो 7 घटाए 9 आ गया। हुण आपां आ ब्रैकेट नूं हल करना है, ध्यान नाल देखो सारे। हुण इस ब्रैकेट नूं हल करन लई 12 नूं सेम लिखांगे, कोई माइनस नूं सेम लिखांगे। आ ब्रैकेट दे विच वालीआं रकमां नूं हल करन जा रहे हैं। इत्थे दो साइन ने, एक प्लस है एक भाग है। देखो पहला कीड़ी होंदी आ, बॉर्ड मास रूल कहता है सब तो पहला आता जी भाग, यदा मतलब पहला भाग होएगी, यदा मतलब पहला आ दोनों रकमों भाग करनी है, जोड़ नहीं करनी बेटा। समझ लग रही मेरी गल, 8 नूं सेम उतार देना है, प्लस नूं सेम उतार देना है, तो 27 नूं 9 नाल भाग करनी है। 27 नूं भाग कीती 9 नाल, 9 तिया 27, यदा मतलब आंसर किन्ना आया 3, इत्थे 3 लिख देना है। आई गल समझ। हुण इस ब्रैकेट के विचकार दो ही रकमां ने जिन्हें विचकार प्लस है, तो प्लस कर दो 8 3 11 12 माइनस 11, हुण 12 चो 11 घटाए किन्ना हुंदा है 1 आंसर। देखो किन्ना सौखा सवाल है, जे तुसीं बॉर्ड मास रूल साइड ते लिख के डी दे थले भाग, एम दे थले गुणा, ए दे थले प्लस, एस दे थले माइनस, ते बी दे सामने ब्रैकेट। सब तो पहला आंदी है ब्रैकेट, फिर भाग होएगी, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। असीं उसी रूल नूं फॉलो करदे हुए इस क्वेश्चन नूं खत्म करता है। उम्मीद करता तुहानूं वधिया तरीके नाल समझ आई होएगी।
जेकर मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तो जरूर उसनू लाइक करना है, जरूर मैं कमेंट दिया करो कि तुहानू समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ सके, मैनू भी मोटिवेशन मिले कि मैं वध तो वध होर वीडियोज़ बना के तुहानू भेजा कि मेरे वालों बनाई गए वीडियोज़ का किसी कोई बेनीफिट हो रहा है। तो मेरे चैनल में बेटा जो सबसक्राइब ना किया हो तो जरूर सबसक्राइब कर दियो, क्योंकि सबसक्राइब करने की बेनीफिट मिलता है। मेरे वालों जदों भी कोई वीडियो बनाई जाती है तो फोन पर वो नोटिफिकेशन आ जाती है कि बई विवेक सर वालों वीडियो बनाई गई है, तो किसी होर वालों तो वीडियो भेजने की लड़ नहीं, तो फोन पर वीडियो शो हो जाएगी।